हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले हम समझेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता है, इस सभ्यता का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और किस काल में हुआ है। तो आइए हम पहले इसके बारे में जानते हैं और उसके बाद इससे संबंधित लगभग 100 ऐसे प्रश्न कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता मतलब आर्यवंश, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। याद रखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। वैदिक सभ्यता संस्कृति का अनुमानित काल लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। ये डेट आप लगभग इस तरह से याद रखें कि लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस संस्कृति की जानकारी हमें मुख्यतः ऋग्वेद से मिलती है। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, जिसमें इस संस्कृति को विस्तार से बताया गया है। ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि यहीं से इतिहास का पहला पड़ाव स्टार्ट होता है। ऋग्वेद को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तर वैदिक काल और दूसरा ऋग्वैदिक काल, जिसमें हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं कि इस काल में आर्यों के आने के तुरंत बाद का जो काल ठार है, इसे कर्मकांड गौण होने का विवरण भी बताया गया है। और इसमें उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म का होने की संभावना बहुत अधिक होने की संभावना थी। वैदिक काल में ज़्यादातर प्राकृतिक शक्तियों को ही मान्यता दी गई थी। याद रखिए, वैदिक काल में ही ये वही काल है जिस काल में प्राकृतिक शक्तियों को सर्वाधिक मान्यता दी गई थी, जैसे कि पृथ्वी, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य जैसे आकाश, सूर्य देवता, इस प्रकार की नदियाँ, इस तरह की चीज़ों को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। इसे ईश्वरीय शक्तियों के बराबर समझा जाता था। इसमें किसी भी विशेष देवता की पूजा का जिक्र बहुत ही कम दर्शाया गया है, मतलब पर्टिकुलर किसी भी देवता की पूजा नहीं होती थी। लगभग सारी चीज़ों को एक समान भाव से बताया गया है, जैसे कि पर्वत, पथा, मैदान, जंगल जैसे वृक्ष, नदियाँ, धरती, आकाश, सूर्यदेव, सभी को एक प्रकार से समझा जाता था, जिनकी एक समान रूप से मान्यता थी, पूजा की जाती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मुख्य निवास स्थान लगभग सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच माना गया है। याद रखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के मुख्य निवास स्थान जो है वो सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बीच में बताया गया था, जो कि बाद में चलकर लगभग संपूर्ण भारत में यह फैल गई, जिसमें वैदिक सभ्यता, आर्यवंश या वैदिक संस्कृति कहा जाता है। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है, वे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लगभग 100 प्रश्न अच्छे से कवर करेंगे। 100 प्रश्नों पर हम नज़र डालते हैं जिन्हें हमें याद करना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। जिसमें हम पहला प्रश्न देख रहे हैं, ऋग्वैदिक काल किसे कहा जाता है? ऋग्वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। याद रखें, श्रेष्ठ या कुलीन। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? और वो है तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? सूर्य सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में बताया गया या सूचित किया गया? ऋग्वेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ये क्रम ध्यान रखें, इस प्रकार के क्रम पूछे जाते हैं। हाल ही में हुई एमपीपीएससी में भी लगभग 2 प्रश्न ऐसे आए जो कि निश्चित क्रम में
सजाने के लिए कहा गया था। वेदों की संख्या कितनी है? चार। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाते हैं। भारत के राजचिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। याद रखें, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते नामक शब्द लिया गया है। ऋग्वेदी काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? दसवें। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती थी? प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र। किस विषय से संबंधित सूर्य सूत्र पुस्तक है? ज्यामिति। अष्टमा सर्गमय शब्द कहां से लिया गया है? ऋग्वेद। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में। अपौरुषेय वेदों को क्या कहा गया है? क्यों कहा गया है? ये कुछ प्रश्न इस प्रकार है। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या है? उलुक्कण। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दशक के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? नवा मंडल सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषणी नदी के तट पर लड़ा गया। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल से अच्युत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों था? क्योंकि चार देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। प्राचीन भारत में निस्क से क्या जाने जाते हैं? स्वर्ण आभूषण।
ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आप देख सकते हैं कि किस किस एग्जाम में पूछा गया है, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर के लगभग 100 प्रश्न जो ऐसे हैं जो इस टॉपिक से अगर आए तो यही प्रश्नों में से ही क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से रट लें, याद कर लें। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी बहुत ही ज्यादा वर्णित है। उपनिषद काल के राजा अशुपति किस राज्य के शासक थे? केकई। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद। वैदिक काल में कावी नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान से। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थान की खुदाई से लोह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? अतारंजी खेड़ा। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद। वैदिक युगीन सभा किससे संबंधित था? मंत्री परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना या प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इस प्रकार अभी तक हमने लगभग 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अभी लगभग 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आप ये सारे प्रश्न अच्छे से रट लें। इसी प्रकार हम हर एक टॉपिक पर सेपरेट वीडियो कवर करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और ये वीडियो वैदिक काल से संबंधित है। अब हम इसके बाद उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चनों को सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य। सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वैदिक युग। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लोहा। ऋग्वेद के किस 6 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। याद रखिए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। कौन सा वेद गद्य रूप से या गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपने इस टॉपिक के लगभग ये सारे 100 प्रश्नों को कवर कर लिए तो मेरा यकीन मानिए आपको इस टॉपिक से इसके अलावा और कुछ भी ज्यादा ज्ञान हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन्हें हमने अलग अलग नोट्स से कवर करके वीडियो में अपलोड किए हैं।
तो आप इन सारे 100 प्रश्नों को अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? सत्यपद ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल। अर्थर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। ये सारे जितने इंपोर्टेंट शब्द है इन्हें बच्चे से याद रख लें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदिकाव्य की संज्ञा किसने दी थी? रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलग्नीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ निम्न प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी सहित। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं? मात्र ऋण। ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं एक एक सेपरेट टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के सेपरेट टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा और वही फैक्ट हम इस पर इस वीडियो में इस कंटेंट में इस तरह से कवर करेंगे जो कि एग्जाम के रिलेटेड ओरिएंटेड और सक्सेस माना गया हो। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के नए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए किया गया। प्राकृतिक स्थापित करने के लिए या करने के कारण किस वैदिक देवता को रथ इस शब्द को ध्यान रखें, रथस्य गो कहा गया। इस प्रश्न को फिर से दोहराते हैं, प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रथस्य कहा गया है? वरुण। वरुण देवता को जो कि वैदिक देवता को रथस्य गोप कहा गया है। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? वरुण देव को। तीनों पगों में
तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वेदिक काल के आर्य लोहेस के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, परिचित थे। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक रहा है? कुंभा और क्रमी। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिला है? लगभग 33 प्रकार के। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ की। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की भाषा क्या थी? यजुर्वेद की भाषा पदात्मक और गतात्मक दोनों थी। थैंक यू सो मच।